Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really get on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let this out. भाई लोग तो कैसे हो आप लोग। फाइनली ये वाला जो गेम प्ले वीडियो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है अदर गेम प्ले वीडियो से, क्योंकि इस गेम प्ले वीडियो के अंदर मैंने जो जिस हिसाब से स्क्वाड वाइप की है वो आपको तो क्या मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये सब कुछ कैसे कर लिया। अब बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा मैं कुछ दिन पहले जो है मेरे चैनल पर एक्टिव था, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर बीच में मतलब 2 से 3 दिन के अंदर मैंने जो अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं खुद बाहर गया हुआ था, मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं जो है एक कम्युनिटी टैब पोस्ट डाल सकूं। अब बेसिकली ये है सोलो वर्स स्क्वाड का गेम प्ले और इसके अंदर मैं उतर था पोचिंग के अंदर और यहाँ पे मेरे को एक यूजी मिल गई और मैंने जो है दूसरी स्क्वाड पे जहाँ से गोलियों की फायरिंग आ रही थी, जो गोलियों की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे मैंने सीधा सीधा रस कर दिया। अब बेसिकली जिस बंदे पे मैंने रस किया था उसने ऑलरेडी एक जो है बंदा टपका रखा था और जैसे ही मैं घर के अंदर आया फुटस्टेप तो बिल्कुल पास से आ रहे थे लेकिन बंदा नहीं दिख रहा था और उसकी ट्रिक्स मैंने पकड़ ही ली। अब ये वाले जो भाई साहब थे वो एक ट्रिक्स का यूज़ कर रहे थे। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बीच में रुक जाता फिर मैं लेट जाता तो बंदा इजीली मेरे को टीपीपी से देख लेता और उसी टाइम जो है ऊपर आके मेरे को खत्म कर देता और मुझे पता तक नहीं चलता कि उसने मेरे को कहाँ से मार दिया, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट मेरे को दिखा एंड मैंने जो है उसको नॉकआउट कर दिया। अब नॉकआउट करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे भी ऊपर एक बंदा है जो कि तुम लोग अभी देखो कि क्या होता है। अब भाई साहब इस बंदे ने जो है मेरे को पूरा पूरा खत्म ही कर दिया था, तुम लोगों ने देख ही लिया। अगर मेरे पास एक यूजी नहीं होती तो मैं पूरा का पूरा पिट ही जाता क्योंकि यूजी कैसी गन है जिसको क्लोज रेंज में चलाना बहुत ज्यादा इजी है। क्लोज रेंज के अंदर यूजी के सामने मतलब अगर सही तरीके से चलाई जाए तो यूजी के सामने कोई भी गन जो है टिक नहीं पाती है एंड इसने मेरे को 1 HP छोड़ा था लेकिन मैंने इजिली इसको खत्म कर दिया। अब खत्म करने का मैंने जो है थोड़ी बहुत हीलिंग की क्योंकि क्या पता इसका कोई दूसरा टीममेट जो है मेरे पे रस ना कर दे क्योंकि ये भी एक बार जो है नॉकआउट हुआ था। अब मैंने जो मेरे को मिल गई थी AKM और AKM के साथ में मैंने जो है एक और स्क्वाड पे रस कर दिया जो कि लोगों को मैप के अंदर फुटस्टेप दिखाई दे रहे होंगे। अब 1v1 के अंदर जो है PUBG 1 के अंदर हम तभी विन हो सकते हैं जब हम क्राउच एंड फायर करें। अब यहां पे तुम लोगों ने देखा मैंने क्राउच एंड फायर किया और यहां पे भी तुम लोग देख लो, अब यहाँ पे भी जो है मैंने क्राउच एंड फायर किया, मैंने इजीली जो है दोनों के दोनों स्क्वाड को वाइप कर दिया जो कि आसानी से जो है लड़ रही थी। कुछ मतलब रिवाइव हो रहे थे तो कुछ मतलब रिवाइव करने में लगे हुए थे। अब बेसिकली देखो यार सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि पबजी वन में क्राउच एंड फायर हमेशा करो जिसके जरिए तुम एक ही स्प्रे में पूरे चारों के चारों बंदे ले जा सकते हो। अब जो मैं इधर की तरफ अगर मैं इधर की तरफ आया तो यहाँ पे क्या है कि कुछ पीछे से फायर आए तो मुझे इतना तो पूरा कन्फर्म था कि पीछे की तरफ बंदे हैं और अब जो है मैं उनमें मारने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है पोचिंग के अंदर ये वाला जो घर है यहाँ पे मतलब 2 घर है और मैं जो ऊपर की तरफ गया मुझे कोई भी फुटस्टेप नहीं आए तो मुझे इतना तो क्लियर नहीं था कि ऊपर बंदा है, लेकिन तभी मुझे लगा कि ऊपर तो एक बंदे भाई साहब विराजे हुए बैठे हैं। अब उसको तो मैंने खत्म कर दिया लेकिन सामने वाले घर से एक और फुटस्टेप आ रहे थे तो उसको मेरे को खत्म करना था। अब देखो मैं तुम लोगों को एक टिप देना चाहूंगा, अगर तुम पबजी वन में सोलो वर्स स्क्वाड खेल रहे हो या फिर तुम अपने स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो हमेशा जितना हो सके किसी टीम पे रस ना करते हुए फिर किसी बंदे पे रस ना करते हुए तुम नेड का जरूर इस्तेमाल करो क्योंकि नेड एक ऐसा है जिसके जरिए तुम एक ही नेड से पूरी की पूरी स्क्वाड मार सकते हो। अब ऐसे के लिए क्या था कि मेरे पास एक नेड था, मैंने एक राइट हैंड साइड नेड कर दिया और एक लेफ्ट हैंड साइड नेड कर दिया लेकिन दोनों के दोनों नेड किए कुक करके गए ताकि बंदे को टाइम ही ना मिले उठने का और जैसे मैंने नेड किया उसी नेड से वो बंदा खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है पूरी पूरी पोचिंग की क्लियर हो चुकी थी और मेरे को मिल चुके थे 7 किल एंड अब आ रही थी जॉर्ज बुल वालों की। अब तुम लोगों ने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि एक टाइम पे मेरा जैसे मतलब मैं यहाँ पे आया था उसी टाइम मेरा जो है पूरा का पूरा मतलब गेम लैग हो गया था एंड मुझे पूरा कंफर्म हो चुका था कि मैं यहाँ पे बचने वाला हूँ नहीं, लेकिन उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ, या तो उस बंदे का भी लैग हुआ था, मेरा खुद का लैग हुआ था, फिर वो सर्वर लैग हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन उसको मैंने पूरी पूरी स्क्वाड वाइप कर दी। अब यहाँ पे तुम लोगों को भी समझ नहीं आया होगा कि 1 सेकंड में बंदा आया उसने पूरी स्क्वाड वाइप की और जो ये चारों के चारों मैंने बंदे मारे हैं ना ये पूरा का पूरा मेरे गेम भी एक्सपेक्टेड करते हैं जो कि मेरे को लास्ट में प्रूफ मिल जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या था कि एक बंदा और आ चुका था जिसको मेरे को खत्म करना था।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, मैंने स्मोक इसलिए डाल दिया था क्योंकि मैंने एक स्क्वाड तो वाइप कर दी थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि जोर्जोफल में और भी स्क्वाड है या फिर नहीं, और क्या पता सिटी वाले बंदे भी आ जाए, इसलिए मैंने स्मोक कर दिया एंड उसके बाद जो है इनको लूटना स्टार्ट कर दिया। अब देखो यार, अगर तुम कभी स्क्वाड वाइप कर देते हो, सोच लो अगर तुम लोग तीन बंदे नॉकआउट कर देते हो एंड चौथा बंदे अगर तुम्हें नॉकआउट करके अपने पूरी पूरी टीम बचा लेता है तो तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है पबजी खेलने का। इसलिए इतनी स्किल्स तो रखो यार कि कवर रह के फायर करो। अब वहां पर मेरे पास कवर था, मैंने इजिली दो बंदों को नॉकआउट कर दिया, एक में आने के बाद नॉकआउट कर दिया एंड लास्ट वाले बंदे पे मैंने रश करके 1v1 फॉर कर दिया। अब यहाँ पे तुम लोगों ने पबजी मोबाइल के ग्लिच देखे। देखो यार, पबजी मोबाइल का बीच में दो अपडेट आए थे, उसके अंदर तो बहुत सही था, सब कुछ ग्लिच फिक्स हो गए थे, लेकिन यार बगी वाला ग्लिच पबजी मोबाइल में अभी तक फिक्स नहीं हुआ। या तो कभी बगी उलटती है तो जो हम मर जाते हैं, या फिर जो है बगी बहुत ऊपर से कूदती है तो हम जो है नॉकआउट हो जाते हैं। अब बेसिकली तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है मैं मरने ही वाला था लेकिन मैं बच गया। एंड एक बार तुम लोग मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम लोग बगी के ग्लिच से कभी मरे हो या पबजी मोबाइल के ग्लिच से कभी मरे हो, अगर मरे हो तो कैसे मरे हो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। अब बेसिकली यहाँ पे जो है मैं नेड कर रहा था और तुम लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि नेड तो एक फेंका था लेकिन दो नेड आए। अब दो नेड क्यों बजे? वो इसलिए बजे क्योंकि इसका एक जो टीममेट था वो भी इस बंदे को मारना चाहता था, और अभी मेरे को इधर से फुटस्टेप आए तो मुझे इतना पता चल गया कि बंदा अंदर की तरफ है, और यहाँ पे इस बंदे को मैंने इजीली खत्म कर दिया। अब ये वाले जो बंदे थे वो रैंडम खेल रहे होंगे पक्का, एंड कुछ जो है अनमर होने के कारण ये जो अपने पे नेड कर रहे थे, इस बंदे ने उसको मारने की कोशिश की लेकिन वो तो उसको नहीं मार पाया, लेकिन मैंने उसको मार दिया। अब यहाँ पे जो है उन दोनों बंदों को मैंने खत्म कर दिया एंड अब मेरी बारी थी सर्कल के अंदर जाने की। अब सामने के अंदर जो है एक ड्रॉप गिर रहा था एंड ड्रॉप पे जो है दो टीम ऑलरेडी जा चुकी थी एंड अब उनसे मेरे को लड़ना था, जो कि मैं कमेंट्री बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम लोग देख लो कि क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉकआउट तो जरूर कर दिया था, लेकिन मेरे को इतना पक्का कंफर्म था कि ये बंदा जो है अकेला तो नहीं होगा, यहाँ पे कोई दूसरे बंदे भी होंगे, और जो मैंने सोचा था वही था, यहाँ पे दो से तीन बंदे तो सांप बने हुए थे। अब यहाँ पे जो ये बंदा था इसका सिर्फ जो है एक बैकपैक देखा था काले कलर का, और उसी टाइम जब मेरे को पता चल गया कि बंदा इधर की तरफ है एंड मैंने जो है इसको नॉकआउट कर दिया या फिर सीधा खत्म कर दिया। अब बेसिकली देखो यार, अगर मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड में एक ही बंदा नॉकआउट होता है और चाहे उसके पास कोई बंदा नहीं हो तो भी डर लगा रहता है यार कि क्या पता इसका कोई दूसरा बंदा हो एंड वो हमें खत्म ना कर दे। अब बेसिकली देखो, इस गेम प्ले वीडियो से पहले मैंने जो है 4 से 5 गेम प्ले वीडियो खेले थे एंड मेरी पबजी की जो आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुम लोग जाके मेरे करियर रिजल्ट चेक करोगे ना तो तुम लोगों को पता चलेगा सुनील कितने मैच हारता है। अब देखो यार, सोलो वर्सेस स्क्वाड इतना ईजी नहीं है कि मैं एक गेम और एक ही मैच जीत जाऊं। अब यहां पे जो है मेरे काफी सारे बंदे निपटा दिए थे, अब होगा स्नाइपर चैलेंज। अब सामने एक भाई साहब थे जो कि बहुत ही बंदरों की तरफ फुदक रहे थे और उसको मैंने एक शॉट मार रखा था, लेकिन ये मरने मेरे ही हाथों वाले हैं। अब देखो यार, ये जो बंदा था वो पीछे से भी घिर रखा था और आगे से घिर रखा था, क्योंकि पीछे भी राइट हैंड साइड में कुछ बंदे लेटे हुए थे और ये भी लेटा हुआ था एंड अब जो है इस बंदे की मरने की बारी है। अब यहाँ पे जिस बंदे को मैंने मारा था, इसको मैंने ऑलरेडी पीछे पहले से नॉकआउट कर रखा था, लेकिन मैंने जो है एडिटिंग के अंदर इसको लाया ही नहीं, और अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ जिसके जरिए मेरे को पता चल रहा है कि ये बंदा मेरे को जो है पहले मैंने मारा था लेकिन ये क्लिप मैंने दिखाई नहीं। अब बेसिकली जिस बंदे को मैंने नॉकआउट किया था उसको मैं खत्म करने वाला हूँ। तो यही लोग, ये था कुछ गेम प्ले वीडियो, लेकिन तुम लोगों को और एक पबजी मोबाइल का ग्लिच दिखेगा एंड उस ग्लिच से तो मैं सीधा खत्म ही हो जाता हूँ, जो कि तुम लोग अभी देख ही लो। अब यहाँ पे तुम लोगों ने एक बार नोटिस किया होगा कि मैंने जो है 2 M24 के शॉट मारे जिसके जरिए जो है बंदा खत्म हुआ, मतलब कि M24 जो है स्नाइपर एक ऐसी गन है जिसके जरिए हम किसी को मारते हैं तो वो बंदा सामने वाला जो नॉकआउट होता ही होता है एंड उसको मैंने एक शॉट मारा जिसके जरिए उसका लेवल 3 हेलमेट गया एंड दूसरे के वो सीधा खत्म हो गया। लेकिन अभी तुम देखो और कमाल।
अब यहाँ पे तुम लोगों ने देखा इस बंदे मेरे को सिर्फ 3 गोलियां मारी है। हाँ मैं मानता हूँ हेडशॉट लगे हैं, लेकिन मेरा जो हेलमेट था वो भी नहीं डैमेज था, ना ही मेरा वेस्ट डैमेज था, लेकिन तो भी मैं मर गया। अब पता नहीं ये कौन से ग्लिच है यार, मैं इस ग्लिच से परेशान हो चुका हूँ। अब ये बंदा बिल्कुल भी हैकर नहीं था, इसके सिर्फ 2 किल थे, पूरा कैंप करके खेल रहा था, एंड लास्ट में इसको मेरा ही गेम प्ले बिगाड़ना था। अब तुम लोगों को क्या लगता है यार कि एके में इतनी ज्यादा पावर है, नहीं इतनी ज्यादा पावर है कि 3 ही गोलियों के अंदर बंदा नॉकआउट हो जाए? मुझे तो पता नहीं, तुम लोग अगर पता हो तुम लोगों को तो कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं 1 मिलियन की आर्मी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। एंड ये जो लाइक टारगेट है इस वीडियो का वो है 30,000 लाइक। पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, मुझे खुद को पता नहीं, लेकिन अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो नीचे टाइमर के साथ में एक मतलब जरूर लिख देना कमेंट के अंदर कि हाँ मैंने यहाँ पर वीडियो देखी है और तुमने लास्ट में बोला 30,000 लाइक।